पार्टी में टूट की खबरें अब आम सी हो गई है। कभी इस पार्टी में टूट तो कभी उस पार्टी में टूट, लेकिन ये वाली जो टूट की खबर सामने आई है वो है बीजेपी से। दरअसल इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि इस बार काफी दिलचस्प भी होने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा भी इस बार कई पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाकर मध्य प्रदेश में जमीन तैयार कर रही है। तो वहीं दोनों ही पार्टियों से नाराज नेता भी बड़े फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये खबर बीजेपी से है। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। ऐसे में प्रदेश की सियासत अब और ज्यादा दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। दरअसल सतना जिले की मेहर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी लंबे समय से अलग विंध्य राज्य की मांग कर रहे हैं। उन्होंने इसी मुद्दे को लेकर राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, जिसका नाम विंध्य जनता पार्टी रखा गया है, यानी कि बीजेपी। त्रिपाठी जी का कहना है कि वे 14 जुलाई से पार्टी की सदस्यता का अभियान भी शुरू करेंगे। विधायक नारायण त्रिपाठी का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहते थे कि देश का विकास और देश के छोटे छोटे राज्यों का गठन हो, ताकि विकास की नई इबारत लिखी जा सके। विंध्य की जनता भी अपने क्षेत्र का विकास चाहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि विकास और क्षेत्र की जनता की मांग को उठाना पार्टी में बगावत समझा जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने किसी से भी कोई बगावत नहीं की है, वो तो विंध्य की जनता को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। महर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के नई पार्टी के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों की धड़कन भी अब बढ़ गई है, क्योंकि उनका ये दाव बीजेपी कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ सकता है। नारायण त्रिपाठी ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें नहीं हटाई है, मगर उनके बगावती तेवर से बीजेपी में हलचल जरूर मच गई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि विंध्य जनता पार्टी के बैनर तले 33 से 43 के बीच उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में टक्कर देने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये थोड़ी मुश्किल जरूर पैदा कर देगा। तो दोस्तों, इस नई पार्टी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।